खनिज रेत और अवैध परिवहन करते दो ट्रैक्टर धराए। बताते चलिए, खनिज अमले ने भ्रमण जांच के दौरान जैन चौकी और मोरवा थाना क्षेत्र में जब्त करके की सतत कार्रवाई। खनिज अमले ने अवैध खनिज रेत के परिवहन में लिप्त दो ट्रैक्टर वाहनों को धर दबोचते हुए सुरक्षा के लिए चौकी परिसर में खड़ा कराते हुए कार्रवाई की है। बताते चले कि कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सिंगरौली अरुण परमार और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी के निर्देशन में खनिज अधिकारी ए के राय के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक कपिल मुनि शुक्ला और खनिज सर्वेयर मुनेंद्र सिंह द्वारा सुरक्षा बलों के सहयोग से जिला सिंगरौली में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए भ्रमण जांच के दौरान दो ट्रैक्टर ट्राली को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाया गया है, जिसमें ट्रैक्टर क्रमांक MP66A 6541 को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त कर पुलिस चौकी जयंत में खड़ा कराया गया है और एक ट्रैक्टर क्रमांक MP66A 5399 को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर जब्त कर सुरक्षा यार्ड पुलिस थाना मोरवा में खड़ा कराया गया है। बताते चले कि प्रकरण में मध्य प्रदेश खनिज अवैध खनन परिवहन और भंडारण का निवारण नियम 2022 के तहत कार्रवाई के लिए कलेक्टर सिंगरौली के सक्षम प्रस्तुत किया जाए।